राजधानी देहरादून में ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते पुलिस और परिवहन विभाग ट्रैफिक संभालने में नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। आरटीओ एनफोर्समेंट शैलेश तिवारी ने कहा कि लेफ्ट टर्न फ्री ना छोड़ने की वजह से शहर की सड़कों पर बार बार जाम लगता है। वहीं परिवहन विभाग को लेफ्ट टर्न फ्री छोड़ने के लिए सड़कों पर ऊपर साइन बोर्ड लगाने चाहिए और लोगों को यह जानकारी भी देना चाहिए कि लेफ्ट टर्न यहां से फ्री किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को समझने में खासी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ, इससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी कई जगह देखने को मिलती है। इसी को लेकर के हम लोगों ने एक सारे रूटों पे एक सर्वेक्षण करवाया था और उनके स्टॉपेज तय कर दिए थे। एक तो बस स्टैंड होता है, एक बस स्टॉप होता है। बस स्टैंड के पास ही गाड़ियों को रोकना चाहिए और जो विक्रम हैं या जो टाटा मैजिक हैं, ऐसी गाड़ियाँ चल रही है, उनके लिए भी हमारे जो रूट बनाए गए हैं, नए रूट भी हम लोगों ने बनाए थे, सब में बस स्टॉप हमने तय कर दिया है। और कई जगह बस स्टैंड नए नए लग भी रहे हैं, तो बहुत जल्दी हम इसको इन्फोर्स भी करने वाले हैं। आपका पॉइंट सही है, कई जगह इससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी आ रही है।